हाँ जी सब समाधान स्वरूप बैठे हैं। कोई समस्या नहीं। बाबा, हाँ जी, घंटे में आए हैं तो लौकिक माता पिता को घर में रखा है, तो है लौकिक माता पिता है युगल के, तो उनको घर में रखा है बच्चों की संभाल करने के लिए, तो वो भोजन बना रहे हैं के खिला रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहिए परिवार में? हाँ जी, परिवार में बहु बेटा ज्ञान में चलते हैं? नहीं, दो बच्चे हैं। हम दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं। हाँ, युगल ज्ञान में चलते हैं ना, और सास ससुर ज्ञान में? नहीं, उन्होंने बेसिक का कोर्स किया है लेकिन ज्ञान में नहीं चलते। एडवांस में नहीं चलते? बेसिक का तो कोर्स किया है ना, तो ब्राह्मण तो है। हाँ, तो भोजन करके खिलाना चाहिए या नहीं? उनको भोजन बना के खिलाना चाहिए? नहीं खिलाएंगे उन्होंने बच्चों को, या तो हम जाने के बाद में? आपके बच्चों को या आपको वो भोजन बना के खिलावे तो कोई हर्जा है? वो ब्राह्मण नहीं है? है, ब्राह्मण तो है और एक ही परिवार में रहते हैं, आप तो उनकी चलन को जानते हैं। कोई बाहर के ब्राह्मण है उनकी चलन का पता नहीं चलता है तो दूसरी बात हो सकती है, लेकिन जब हैं ही आपके परिवार के तो वो तो ज्यादा अजीज हो गए। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो छू छू करते हैं, आपसे बात भी नहीं करना चाहते, आपको देखना भी नहीं चाहते, तो उनकी बात दूसरी हो सकती है। बाप की आग के परिवार वाले तो आपको दूर नहीं करना चाहते, वो सदैव आपके नजदीक रहना चाहते हैं, आपको नजदीक रखना चाहते हैं, तो इसलिए उनका हाथ का खाने में या अपने हाथ का उन्हें खिलाने में कोई हेजिटेशन तो नहीं होना चाहिए। और वो 20 फल क्या है दिखाओ पहले। बाबा, हद की दुनिया में जो काशी नगरी है वहां गवर्नमेंट ने काशी करवट खाने पर बैंड लगाई दिया। भारतीय गवर्नमेंट ने बैंड लगाया था या विदेशी गवर्नमेंट ने बैंड लगाया था? विदेशी गवर्नमेंट ने बैंड लगाया दिया था। इसका बेहद की काशी नगरी से क्या कनेक्शन है? क्या वहां पर भी बैंड लगने का कोई संभावना है? फाइनल पेपर होगा, बड़े बड़े अखबारों में ग्लानी निकलेगी, टेलीविजन में ग्लानी निकलेगी, रेडियो में ग्लानी निकलेगी, चारों ओर ग्लानी का धुआं उड़ेगा। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी पब्लिक की बातों को मानने लग पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में ज्ञान लेने वाले बच्चे तो बहुत थोड़े हैं, अज्ञानियों की संख्या का हुजूम बड़ा भारी है, तो ऐसे माहौल में
जो एडवांस में सरेंडर होने का कार्यक्रम है वो सरकार बंद करा सकती है, लेकिन मुरली में बोला है आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? क्रिश्चियंस के हाथ में आ जाएगी। क्रिश्चियंस के भी दो वर्ग हैं, एक गॉडफादर को मानते हैं और एक गॉडफादर को नहीं मानते हैं। सारी दुनिया नास्तिकता की ओर फैल बढ़ रही है। भारत में भी अगर नास्तिकों का राज्य हुआ तो काशी करवट खाने में बैंड लगना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबा ने पूछा है तो बच्चों को जवाब देना चाहिए ना। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्राह्मण बनते हैं? अरे ब्रह्मा अनेकों के नाम है, उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है प्रजापिता ब्रह्मा एक है, उसके द्वारा कितने ब्राह्मण बनते हैं? है 4.5 लाख। सीधा सा जवाब है। पांच पांडवों और द्रौपदी का गुप्तवास नेपाल में दिखाया है। नेपाल में दिखाया है, है? गुप्तवास नेपाल में दिखाया है या भारत में कोई खास स्थान है जहां दिखाया है? है भारत में ही पांचाल नगर, जिसे कांपिल्ली नगर कहा जाता है, और राजा विराट का राज्य, जिसमें आखिरी वर्ष में उन्होंने गुप्तवास दिखाया है। नेपाल का बेहद का अर्थ तो मालूम ही है, नहीं माने नहीं, पाल माने पालना। ईश्वर ने आकर के जो पालना की है उस पालना का फाउंडेशन जब पड़ा उस पालना करने वाले के हुजूम को नेपाली कहा गया है। जैसे नेपाल ऊंची स्टेज में है पहाड़ों पर, ऐसे वो नई दुनिया की पालना का फाउंडेशन डालने वाले भी ऊंची स्टेज के वासी हैं। ऊंची स्टेज है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन नंबरवार होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट ने पूछा कि 2018 तक संगमयुगी कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाएगा तो क्या उस समय
अधूरा चंद्रमा संपूर्ण होकर शंकर के मस्तक से हट जाएगा। पहले बाप संपूर्ण बनेगा या बच्चा संपूर्ण बनेगा या बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म गाया हुआ है? है? इकट्ठा जन्म गाया हुआ है। दोनों साथ साथ संपूर्ण बनते हैं। दोनों के ही नाम के आगे चंद्र शब्द लगाया जाता है, रामचंद्र और कृष्णचंद्र। पहले अधूरे होते हैं, अधूरा पुरुषार्थ होता है, बाद में संपन्न पुरुषार्थ होता है। तो जब संपन्न पुरुषार्थ होता है तो मस्तक में चंद्रमा धारण करने की बात ही नहीं। 2018 के बाद जब मुकर्रर रथ बाप समान बन जाएगा तो उस समय भी शिव बाप उसमें कार्यरत रहेंगे। शिव बाप ज्योतिबिंदु और बाप आता ही है बच्चों को नंबरवार बाप समान बनाने के लिए। तो जो बच्चा बाप समान बिंदु बनता है, निराकारी बनता है, तो पता कैसे चलेगा कि इसमें बाप है या नहीं है? कौन पहचानेगा? है? मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? है? जब नॉलेज देते हैं। नॉलेज देना और नॉलेज स्वरूप बन जाना, इसमें कोई अंतर है? 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 अंतर नहीं है? नॉलेज देना और नॉलेज स्वरूप बन जाना, ज्यादा असर किस बात का होगा? है? नॉलेज देने का ज्यादा असर होगा? नहीं, जब नॉलेज स्वरूप बन जावेंगे तो कोई को नॉलेज मुख से सुनाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। वाइब्रेशन से ही कैच करेंगे, दृष्टि मात्र से ही कैच कर लेंगे, वाचा में आने की दरकार भी नहीं रहेगी। इसलिए एक होता है शिव बाप का पतित तन में ज्ञान सुनाने का पार्ट, और एक होता है संपन्न स्टेज का पार्ट। पतित तनधारी संपन्न पुरुषार्थी बन जाता है तो ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं रहती। इसलिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या है? नारायण को याद करना। है बाबा ने बोला है 2018 तक परिवार की एक इकाई तैयार हो जाएगी। संपन्न परिवार और बाकी आत्माओं का 2036 तक पुरुषार्थ और पढ़ाई चलती रहेगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तो बाबा 2018 तक अष्टदेवों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी क्या? हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्योंकि जब संपन्न परिवार बोलते हैं तो परिवार के सभी भांति संपन्न स्टेज के होने चाहिए या अधूरी स्टेज के होने चाहिए? संपन्न स्टेज के होने चाहिए। बाबा गणेश का मोहरा जानवर जैसा क्यों दिखाते हैं? शिव बाप तो भगवान है, भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। और जो भगवान भगवती बनते हैं, रचयिता के रूप में वो क्या बनाते हैं? देवी देवता बनाते हैं। देवी देवताएं सतयुग में होते हैं। द्वापर में उनकी पूजा होती है। फिर बाद में कलयुग में जिनकी पूजा होती है वो देवताओं की कोटि से नीचे होंगे या ऊपर होंगे? नीचे होंगे। तो देवताएं द्वापर में आकर के मनुष्य बनते हैं और मनुष्य बनकर के अपने ही स्वरूप की देवताओं की पूजा करते हैं। कलयुग में फिर जानवरों की पूजा शुरू होती है। जानवरों को भी भगवान समझ करके पूजने लग पड़ते हैं। इसलिए कहेंगे कि सेवा कर भगवान भगवती बनाते हैं, शंकर पार्वती कहे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण संगम युगी कहे जाते हैं, और शंकर पार्वती से किसका जन्म होता है? जिनका जन्म होता है वो नीची कोटि के होंगे या ऊंची कोटि के होंगे? जरूर नीची कोटि के होंगे, इसलिए उनको जानवर का रूप दिया हुआ है। या तो बैल के रूप में दिखाते हैं या तो गणेश के रूप में दिखाते हैं। या तो राक्षसी रूप भी दिखा देते हैं, अनेक मुखों वाला दिखा देते हैं, जैसे रावण के अनेक मुख। कार्तिकेय को कितने मुख दिखाते हैं? 6 मुख दिखाते हैं। जरूर देवी देवता सनातन धर्म के अलावा जो और विदेशी विधर्मी हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है जो कार्तिकेय के रूप में दिखाई गई है। तो कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तरोत्तर नीची कला वाले पैदा होते रहते हैं। बाबा जो बच्चे मधुबन में रहकर गंदी भाषा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, धमचक्कर मचाते हैं, उनकी शूटिंग क्या होगी? है चांडाल बनेंगे, भंगी बनेंगे, भंगी चमार जाति में जन्म लेते रहेंगे।
उनकी कॉलोनी ही ऐसी बनेगी झोपड़पट्टी वाली नालों के किनारे। बढ़िया प्रश्न पूछा। बाबा भारत माता के हाथ में चार घोड़ों का लगाम पकड़े हुए दिखाया है, तो वो चार घोड़े कौन कौन से धर्म के हैं, कौन से धर्म की आत्माएं हैं, उन घोड़ों का बेहद का अर्थ क्या है? अब भारत माता है तो भारत पिता भी तो होगा कि नहीं होगा? भारत माता के हाथों में चार घोड़ों की लगाम दिखाई है तो भारत पिता भी कोई है जिसके हाथों में उन्हीं चार घोड़ों की लगाम दिखाई है? और वो माता और पिता प्रवृत्ति मार्ग में पाठ बजाने वाले हैं या निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाने वाले हैं? माता विधवा है क्या? विधवा तो नहीं है। जो भारत देश कहा जाता है वो भी कोई विदुर नहीं है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। तो जिसमें भगवान आते हैं वो कृष्ण भगवान का रूप दिखाया है, जिसके हाथों में चार घोड़ों की लगाम दिखाते हैं वो पुरुष रूप है, और भारत माता स्त्री रूप है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए जो चार घोड़े आत्मा आत्मा भाई भाई की यादगार हैं, जैन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। भाई भाई कब होते हैं? जब एक बाप की औलाद हो, तो जरूर वो चारों ही मनबुद्धि रूपी अश्व चारों ही आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं सृष्टि के आदि काल में, जिन्हें सनत सनातन सनंदन सनत कुमार के रूप में दिखाया गया है। उनकी बुद्धि रूपी लगाम एक माता पिता के हाथ में दिखाई गई है। अब उन्हें भारत माता के रूप में कहो या भारत पिता के रूप में कहो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में जो माला दिखाई जाती है उस माला में आठ बड़े बड़े फूल दिखाए हैं, वो किसकी यादगार है? गले की माला उस माला में चार फूल दाई ओर बड़े बड़े और चार फूल बाई ओर,
फूल कहा जाता है सुखदाई को, कांटा कहा जाता है दुखदाई को। बड़े बड़े का मतलब है वो अपने ग्रुप के मुखिया हैं, जो आठ धर्म हैं वो नंबरवार भगवान बाप से राजाई प्राप्त करते हैं। बारह बारह के आठ ग्रुप, उनके आठ मुखिया आठ बड़े फूलों के रूप में दिखाए गए। कोई दाई ओर के मुखिया हैं, दाई ओर अर्थात भारतीय धर्म, कोई बाई ओर के मुखिया हैं जो वाम मार्ग में जाने वाले धर्म हैं, पवित्रता को ठुकराने वाले हैं। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, उनके मुखिया हैं। परंतु उन सभी धर्मों में से जो भगवान को कोई न कोई रूप में मानने वाले हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, और वो सभी आत्माएं आकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेती हैं। उनमें से जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो बड़े बड़े फूलों के रूप में दिखाए गए हैं। जब माला बनाई जाती है तो माला बनने के बाद मणके पिरोने के बाद धागा में जो गांठ लगाई जाती है वो किसकी यादगार है? पूछने वाला भूल गया, भक्ति मार्ग में 63 जन्म हमने लिए, तो जब शादी होती है तो क्या करते हैं? है? गांठ लगाते हैं। स्त्री के कुल के जो होते हैं और पुरुष कुल के जो भी भांति होते हैं वो गठबंधन में बंध जाते हैं। कोई पत्नी के आधार पर, कोई पति के आधार पर, कोई वर पक्ष के आधार पर, कोई वधू पक्ष के आधार पर। ये कहां की यादगार है? ये शादीवादी की जो रसम पड़ी है वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है। भगवान भगवती जब मिलते हैं, शंकर पार्वती जब मिलते हैं, तो दोनों पक्ष की गांठ लगाई जाती है। एक है दाई ओर का ग्रुप, एक है बाई ओर का ग्रुप। जो दाई ओर का ग्रुप है वो वधू का पक्ष है, और बाई ओर का ग्रुप वर पक्ष है। वधू माता बनती है, वर पिता बनता है, विश्व पिता। अंदर घर को कौन संभालता है और बाहर कौन संभालता है? बाप बाहर संभालता है, विदेशियों को और विधर्मियों को बाप संभालता है,
क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल हैं। और घर वालों को माता संभालती है, तो दोनों की गांठ जोड़ी जाती है। कल्प वृक्ष में कुछ डालियां दाईं ओर दिखाई गई हैं, वो भारतीय धर्मों की डालियां हैं, स्वधर्मियों की डालियां हैं। कुछ डालियां बाईं ओर दिखाई गई हैं, विधर्मियों की डालियां हैं। वृक्ष के नीचे माता पिता के रूप में दो बैठे हुए हैं, ब्रह्मा सरस्वती के रूप में बैठे हैं ना। वास्तव में वो जगत पिता और जगदम्बा बैठे हुए हैं। जगत पिता बाईं ओर के ग्रुप में बैठा हुआ दिखाया गया है और जगत माता दाईं ओर के ग्रुप में बैठी हुई दिखाई गई है। ओहो, ये सारे इकट्ठे कर दिए। बाबा, अशांति के माहौल में रह करके हम शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? बताओ भाई, कैसे कर सकते हैं? है अरे हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। जहाँ के रहने वाले हैं वहां हम किस रूप में बैठे हैं? जहाँ के रहने वाले हैं वहां हम किस रूप में बैठते हैं? बिंदु रूप में बैठते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब हमारी यहाँ पक्की हो जाएगी तो दुनिया में चाहे एटम बम फटे और चाहे बड़े बड़े भूकंप आवे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शांति में बैठे रहेंगे। प्रैक्टिस की बात है। बाबा, आपने बताया है धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो वो कौन है? पूछने वाला जब बाबा कहता है तो कौन सी आत्मा को बाबा कहता है? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? है बोलने वाला कौन है ये मुरली में कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है? कौन सी आत्मा बोलती है? है हाँ, साकार में तो बोलती है, लेकिन बोलने वाली आत्मा एक है या दो हैं? वो कौन है? शिव बाप। ये शिव बाप ने बोला कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर बिंदु है वो बिंदु रूप आत्मा ही, निराकारी स्टेज वाली आत्मा ही कोई तन में बोलती है। क्या बोलती है? कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है। तो राइट हैंड की तरफ कौन बैठा है त्रिमूर्ति में? ब्रह्मा। वो ही धारणा वाला है। धर्म की धारणा, धारणा के पॉइंट देवात्मा में होंगे या विश्वपिता में होंगे? है देवात्मा में सिर्फ धारणा के पॉइंट होंगे। इसलिए ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जब प्रवेश करती है तो कौन से पॉइंट सुनाती है? धारणा की पॉइंट सुनाती है, धर्म की धारणा। वो ही धर्मराज है जिसके लिए बोला कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है।
गोप है मेरे लेफ्ट हैंड। क्या कहा? गोप है लेफ्ट हैंड। गोप में कुमार भी आ जाते हैं, अधर कुमार भी आ जाते हैं। तो उन अधर कुमारों के बीच में मुख्य अधर कुमार कौन हुआ? अरे त्रिमूर्ति में कौन हुआ? शंकर के रूप में बैठा दिखाया गया है, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन धर्मराज नहीं है। धर्मराज से लोग डरते हैं या धर्मराज को प्यार करते हैं? धर्मराज से तो डरते हैं। शिव बाबा तो प्यार का सागर है। शिव बाबा का पार्ट धर्मराज का नहीं है। बाबा दुर्गा की सवारी शेर पर दिखाते हैं। तो वो शेर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। देवी की सवारी दो प्रकार से दिखाते हैं, एक सिंहवाहिनी और दूसरी बाघंबरी। जो सिंह है वो बड़े मोहरे वाला होता है, और सीधा हमला करने वाला होता है। चंटई चालाकी नहीं होती है उसके अंदर, कोई प्रकार की तिकड़म भी नहीं होती है। और जो बाघ है उसे टाइगर कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है या शेर है? टाइगर। टाइगर को क्यों दिखाते हैं, शेर को क्यों नहीं दिखाते? शेर किसका सूचक है और टाइगर किसका सूचक है? टाइगर है शंकर का सूचक और शेर है ब्रह्मा का सूचक। टाइगर मौका देख करके हमला करता है। जब देखता है हमारी उंगली अच्छी तरह दबी हुई है तो आंखें नहीं तड़े रहेगा, चुपचाप पूंछ दबा के एक तरफ हो जाएगा। और जब देखेगा अभी माहौल हमारे अनुकूल है तब क्या करेगा? हमला कर देगा। जब हमला करता है टाइगर तो फूल के चौड़ा हो जाता है, जैसे उसमें कई गुनी ताकत आ गई हो। तो दो ही पार्ट हैं। जब कलयुग का अंत होता है भगवान बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं, तो पुरुषों के हाथ में बागडोर देते हैं सत्ता की। सत्ता की बागडोर पुरुषों के हाथ में दी जाती है या शक्तियों के हाथ में दी जाती है?
है, किसके हाथ में दी जाती है? शक्तियों के हाथ में दी जाती है। मुरली में बोला हुआ भी है सारे डायरेक्शंस कन्याओं माताओं के द्वारा निकलने चाहिए, सारी सत्ता कन्याओं माताओं के हाथ में होनी चाहिए। तो जो भी पुरुष चोले हैं उनको भगवान का डायरेक्शन मान लेना चाहिए या नहीं मान लेना चाहिए? है? मान लेना चाहिए, बड़े आराम से शक्ति को सवारी दे देनी चाहिए। उनको कहा जाता है शेरनी शक्ति, किनको? देवियों को कहा जाता है शेरनी शक्ति। जो शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई असुर की शक्तियां नहीं बन सकती। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई दूसरे का आधार लिया तो वो शिव शक्ति की स्टेज में नहीं आ सकती, वो फिर उन शेर और टाइगर के ऊपर सवारी नहीं कर सकती। शंकर की जटा में जो कन्या दिखाई है वो किसका प्रतीक है, वो किसका यादगार है? जटा काय की है? ज्ञान की जटा है। तो जो ज्ञान की जटाएं हैं उन जटाओं के बीच में जो मुखाकृति दिखाते हैं वो कन्या की दिखाते हैं या माता की दिखाते हैं? कन्या की मुखाकृति दिखाते हैं, क्योंकि कन्याएं गहराई से ज्ञान को पकड़ लेती हैं माताओं के मुकाबले। माताओं की बुद्धि तो घर गृहस्थी में अच्छी तरह घिस जाती है, कन्याएं तो पवित्र होती हैं, पवित्र बुद्धि में ज्ञान जास्ती ठहरता है। ऐसे जास्ती ज्ञान ठहराने वालों में वैश्वी शक्ति तीखी नहीं है। जगदम्बा तीखी है, परंतु विधर्मियों को भी आश्रय देती है, और गंगा विधर्मियों को आश्रय नहीं देती है, स्वधर्मियों को आश्रय देती है। इसलिए गंगा में ज्ञान की तीक्ष्णता है, क्योंकि शास्त्रों में भी दिखाया है कि पार्वती को बड़ा दिखाते हैं या गंगा को बड़ा दिखाते हैं। हिमालय राज के द्वारा दोनों पुत्रियां पलती हैं, परंतु ज्ञान में बड़ी कौन है? गंगा बड़ी है। बल पार्वती धारणा स्वरूप है, परंतु ज्ञान की वो तीक्ष्णता नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे ज्ञान की अच्छी सेवा कर लेते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूं। तो याद कौन से अंग में दिखाई जाती है? याद कंधे में होती है, पेट में होती है, पांव में होती है, या याद सर के अंदर होती है? सर के अंदर होती है। तो सर में वो गंगा को दिखाते हैं। मैं सर्वसे उन बच्चों को बहुत याद करता हूं, ऐसे बच्चे मेरे सिर माथे पर धरे रहते हैं। जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बहुत सर्वसे बुल है, बल शरीर छोटा हुआ है,
सूक्ष्म शरीर से बहुत सेवा करती है हनुमान मिसल। ऐसे ही गंगा साकार शरीर होते हुए भी जब ब्राह्मणों की दुनिया में अंत में प्रत्यक्ष होती है तो जो वाचा की सेवा गंगा करती है वो सेवा और कोई आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए शंकर की जटाओं में वो कन्या का रूप गंगा का दिखाया गया है। बाबा राम ही जब रावण बनता है तो किसकी सीता को चुराता है? है? अरे सीताएं कितनी हैं? है? सब सीताएं हैं परंतु दो का मुख्य गायन है। एक है जिसके लिए बोला तुम पावक में करो निवास, तुम योग अग्नि में निवास करो, वो है राम की सच्ची सीता। वो कितने जन्म लगातार साथ रहती है? है? कितने दिन कितने जन्म लगातार साथ रहती है? 21 जन्म। 21वां जन्म जब पूरा होता है तो राम वाली आत्मा नीचे गिरती है। 21वें जन्म में त्रेता के अंत में या ऊंचा पार्ट बजाती है, है? नीचे गिरती है। और जब नीचे गिरती है तो रावण जिस सीता को चुरा ले जाता है वो राम वाली आत्मा ही उस सीता को चुराती है। कौन है वो? अरे अरे वो सीता कौन है जो 21 जन्म के बाद राम के संसर्ग संपर्क संबंध में आती है? है? जगदम्बा। और ये तो सिर बढ़ते ही जा रहे हैं, टाइम हो जाएगा। बाप कहते हैं कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, तो क्या नारी से नारायण नहीं बन सकते? है? बन सकते हैं। माने बाप जो कहते हैं उसका उल्टा भी कह हम कर सकते हैं। है? हाँ आत्मा को तो पढ़ाते हैं लेकिन ये कहते हैं कि नर को नारायण बनाता हूं और नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। अगर नारी का चोला है तो लक्ष्य धारण करना है, हमको क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। क्योंकि आज की दुनिया में नारी का चोला स्वतंत्र रह करके, सर्वथा स्वतंत्र रह करके अपनी पूरी सुरक्षा कर सकता है? है? नहीं कर सकता है। तो नारी से लक्ष्मी बनना अच्छा है, संरक्षण में रहना अच्छा है, या संरक्षण की परवाह किए बगैर सूपन का पूतना की तरह घूमते फिरना अकेला अच्छा है? क्या अच्छा है? लक्ष्मी बनना अच्छा है, नहीं तो जग हसाई कराएंगे।
नारी से नारायण बनने के चक्कर में। इसलिए बाबा की बात मान लेना है। बाबा ने क्या बताया? नारी से लक्ष्मी बनना है ना? हाँ, नारी से लक्ष्मी बनना है और नर से नारायण बनना है। अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या अंतर है? देव एक ही वंश से होते हैं। वो कौन सा वंश है जो 84 जन्म लेने वाले देवता बनते हैं? सूर्य वंश। और कोई दूसरे वंश से नहीं होते हैं। वो सब हीरे जैसे हैं। और रतन अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। इसलिए अष्टदेव बनना ऊंची बात है, अष्टरत्न गाए जाते हैं परंतु पूजे नहीं जाते हैं, और अष्टदेव पूजे जाते हैं। उनके मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं, खास करके दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में मंदिर नहीं बनते हैं, परंतु कोई भी अनुष्ठान होता है तो नवग्रहों के रूप में उनका पूजन जरूर होता है। अष्टदेव का संगठन अलग तैयार होगा, जो किसी के अधीन नहीं होते हैं। अच्छा, अष्टदेव आखिरी जन्म में दूसरे धर्म के अधीन नहीं होंगे। माया उनको आखिरी जन्म में नीचे नहीं गिराएगी, है? नहीं गिराएगी? गिराएगी। माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो आखिरी जन्म में उनको भी अधीन होना पड़ता है। ये रंग लिखा है। हाँ, 83 जन्म में और किसी के अधीन नहीं होते हैं सिवाय एक के। हाँ बोलो। लक्ष्मी जी को उल्लू क्यों दिखाया गया? हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो धनवानों को पकड़ती है, धनवानों को संरक्षण देती है। वो धनवान उल्टे मोहड़े वाले उल्लू बन जाते हैं। उनकी बुद्धि नीचे की दुनिया में लगी हुई होती है, इसलिए उनके ऊपर सवारी कर लेती है। आज के जितने भी धनवान हैं, बड़े बड़े, जिनको ब्रह्मा कुमारियां पकड़ती हैं, वो उल्टे मोहड़े वाले उल्लू बन के लटक जाते हैं। भगवान आते हैं तो या शेर जैसी चाल होती है, है? उनकी बुद्धि कहां रहती है? ऊपर कि नीचे? नीचे की दुनिया में रहती है। और गणेश वो तो है ही, गण ईश, ईश माने स्वामी। किसका स्वामी? देवगणों का स्वामी। कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा वाली आत्मा है। वो ब्रह्मा वाली आत्मा आज भी
एडवांस पार्टी के कोई ब्रह्मा कुमार में जब प्रवेश करके पार्ट बजाती है, सेवा करती है, तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितने अच्छे अच्छे जिज्ञासु हैं, उनके घरों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जिस शरीर में प्रवेश करती है वो जैसे चूहरे जैसा हो गया। चूहे को कौन खाता है? हैं? बिल्ली भी खाती है, माया बिल्ली, और सांप भी खाता है। ये रुद्रमाला में ऐसे बहुत से चूहे हैं। कभी देवताएं थे, उनको सांप मिल जाता है, तो चूहे का जन्म मिलता है। ऐसे बहुत एडवांस के ब्रह्मा कुमार हैं, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अच्छे अच्छे जिज्ञासुओं के घरों को खोद करके खोखला बना दिया, पूरा सेंटर का सेंटर उखाड़ लिया। तो गणेश की सवारी चूहे के ऊपर दिखाते हैं। और ऐसे इसलिए बोलते हैं, जब षष्ठी का अंत होता है, सारी षष्ठी मरने पर होती है, तो सांप की बुद्धि में बैठ जाता है कौन सत्य है। सारी दुनिया झूठी है, कृष्ण भी झूठा, राधा भी झूठी, सीता भी झूठी, द्रौपदी भी झूठी, सब झूठे, कौन सत्य है? एक राम सत्य है। है क्या बोला? और ये शरीर छोड़ने के बाद में दसवां दिन तीसरा दिन ऐसे क्यों मनाते हैं? चौथा दिन मनाते हैं, दसवां दिन, तेरहवां दिन मनाते हैं। ये आत्मा की गति दिखाई है। आत्मा जो पुरुषार्थ करती है उसके आयाम हैं। जीते जी मरने की बात है। जब मरते हैं तो कई आयामों से आत्मा को गुजरना पड़ता है। वो भक्ति मार्ग में तेरहवां आदि दिखाते हैं, चौथा दिखाते हैं। महाभारत में दिखाया है कि भील एकलव्य ने हस्तिनापुर के कुत्ते का मुंह बाणों से बिंध दिया। यहां वेद का वो पार्टिकुलर कुत्ता कौन सा है जिसका मुंह राम वाली आत्मा ने बंद कर दिया? अरे पांडवों के साथ कोई कुत्ता जाता है कि नहीं जाता है? वो कौन से धर्म की आत्मा है? हाँ, इस्लाम धर्म की वो आत्मा है। इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है। वो इस्लाम धर्म की आत्मा भक्ति मार्ग का मुखिया है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें सुनाई जाती हैं, वो सब कुत्ते की भौं भौं है। भगवान बाप जब आते हैं तो ऐसे ज्ञान बाण छोड़ते हैं जो उस कुत्ते का मुंह बंद हो जाता है। भौं भौं करना खत्म। भीम को क्या दिखाया है? ब्रह्मा बाबा के हाथ में क्या दिखाते हैं? है
गदा दिखाते हैं। तलवार में धार ज्यादा होती है या गदा में धार ज्यादा होती है? है तलवार में धार ज्यादा होती है। जो गदा है उसमें धार नहीं होती है, वो सीधा वार करता है, परंतु बिना धार के वार करता है। एक ही वार से चकनाचूर हो सकता है, परंतु काट नहीं करेगा। और गदा ऐसे ही है, काट नहीं करता है लेकिन चकनाचूर कर देता है। कोई बातों का काट किया जाता है तो वो बुद्धि में समझ में आता है। ब्रह्मा बाबा हर बात में एक ही बात में पक्के रहते थे, वो कौन सी बात है? है उसे गदा नाम दो या ढाल नाम दो, ढाल भी मोटी चमड़ी की होती है, गेंडे की खाल, गदा भी बहुत मोटा होता है। ये मोटी बुद्धि जिन जिन की है वो ज्ञान में एक ही बात पर टिके रहे, ड्रामा। ब्रह्मा बाबा की भी ऐसे ही था, कोई समस्या सामने आती थी कैसे हल करते थे? ड्रामा में यही था। चलो बाग चलो पूर्व की ओर।